परिचय बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षर होते हैं संख्याएं अचर होती हैं उपयोग किए जाने वाले अक्षर चर कहलाते हैं व्यंजक चर व अचर के साथ साथ अंकीय संकारकों का संयोजन होता है जब दो व्यंजकों को एक साथ समीकृत किया जाता है तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है कुछ समीकरण सभी मानों के लिए सत्य होते हैं और ऐसे समीकरण सर्वसमिकाएं कहलाते हैं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बीजीय व्यंजकों की पहचान करना किसी बहुपद की घात को हल करना एक पदों द्विपदों और बहुपदों को हल करना सजातीय व विजातीय पदों की पहचान करना बीजीय व्यंजकों के योग व्यवकलन और गुणन वाले सवालों को करना सर्वसम्मिका व मानक सर्वसम्मिकाओं का वर्णन करना व्यंजक क्या हैं? एक चॉकलेट का मूल्य पांच रुपये है और एक पेन का मूल्य दस रुपये है तीन चॉकलेट और दस पेन का कुल मूल्य कितना होगा इस सवाल को हल करने के लिए हम एक व्यंजक बनाते हैं एक पेन का मूल्य एक्स रुपये है एक चॉकलेट का मूल्य y रुपए है तीन पेन का मूल्य तीन एक्स है तीन चॉकलेट का मूल्य तीन वाय है दस पेन का मूल्य दस एक्स कुल मूल्य बराबर तीन एक्स जमा दस वाई है जो कि गणना करने पर बराबर होगा एक सौ पंद्रह के संख्या रेखा और व्यंजक मान लें व्यंजक एक्स जमा चार है मान लिया चर x संख्या रेखा पर x स्थिति ग्रहण करता है चूंकि दिया गया व्यंजक चर चार धनात्मक मान ग्रहण करता है a x की दाई ओर चार इकाई पर स्थान ग्रहण करता है यदि व्यंजक x घटा चार हो तो a की स्थिति x की बाईं ओर होगी मान लें कि व्यंजक पांच एक्स जमा लिया चर x संख्या रेखा पर x स्थिति ग्रहण करता है चूंकि दिए गए व्यंजक का पहला पद पांच एक्स है पांच एक्स की स्थिति बिंदु D पर होगी मूल बिंदु से बिंदु D की दूरी बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी की पांच गुना होगी इसलिए पांच एक्स जमा छह के E की स्थिति डी की दाई ओर छह इकाई पर होगी बीजीय व्यंजक अचर स्थिर संख्यात्मक मान वाला प्रतीक अचर कहलाता है उदाहरण के लिए तीन घटा पांच नौ भाग सात पी इत्यादि चर कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हो चर कहलाता है उदाहरण के लिए किसी वृत्त की परिधि बराबर सी बराबर दो पी आर जहां आर वृत्त की त्रिज्या है दो पी अचर हैं सी और आर चर हैं। चरों और अचरों का जमा घटा x और y से जुड़ा हुआ संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है पद व्यंजक के जमा या घटा द्वारा अलग किए गए विभिन्न भाग व्यंजक के पद कहलाते हैं उदाहरण के लिए यह एक चार पद वाला व्यंजक है बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर ऋणात्मक पूर्ण सांख्य घाते यानी पावर होती हैं बहुपद कहलाता है उदाहरण के लिए एक यह एक चर x में बहुपद है दो यह दो चरों एक और वाई में बहुपद है तीन यह बहुपद नहीं है पांच बटे दो गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है चार यह बहुपद नहीं है ऋणात्मक आठ गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है बहुपद की कोटि बहुपद में किसी पद की उच्चतम घात बहुपद की कोटि कहलाती है कोटि के आधार पर बहुपदों को रेखीय बहुपद द्विघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद चतुर्घातीय बहुपद इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है रेखीय बहुपद कोटि एक वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है उदाहरण के लिए यहां x कोटी एक का है इसलिए यह रेखीय बहुपद है द्विघातीय बहुपद कोटी दो वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है उदाहरण के लिए यहां एक्स कोटी दो का है इसलिए यह द्विघातीय बहुपद कहलाता है त्रिघातीय बहुपद कोटि तीन वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है उदाहरण के लिए Bass". यहां x कोटि तीन का है इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद है चतुर्घातीय बहुपद चार वाला बहुपद चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है उदाहरण के लिए यहां कोटि चार का है इसलिए यह चतुर्घातीय बहुपद है दो तो या अधिक चरों में बहुपद की कोटि यदि बहुपद में एक से अधिक चर हैं, तो प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग किया जाता है और इस तरह प्राप्त उच्चतम योग को बहुपद की कोटि कहा जाता है उदाहरण के लिए यहां x और y में कोटि पांच वाला बहुपद है एक पदी द्विपदी और बहुपदी बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर उन्हें एक पदी द्विपदी त्रिपदी और ऐसे ही टैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एक पद जब किसी बहुपद में एक पद होता है तो इसे एक बदी कहा जाता है उदाहरण के लिए हैरी के पास सात गुलाब हैं, तो इसे सात एक्स के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है यहां सात एक्स एक पदी है द्विपदी यदि किसी बहुपद में दो पद हैं तो इसे द्विपदी कहा जाता है उदाहरण के लिए हैरी के पास नौ गुलाब हैं और पांच जली हैं, तो हम इन्हें बीजीय व्यंजक नौ एक्स जमा पांच वाय के रूप में लिखते हैं एक्स गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है और वाई जली की संख्या नौ एक्स जमा पांच वाय ऐसा बहुपद है जिसमें दो हैं। त्रिपदी यदि किसी बहुपद में तीन पद होते हैं तो वह त्रिपदी कहलाता है उदाहरण के लिए हैरी के पास आठ गुलाब छह जेली और पांच चॉकलेट हैं तो इसे बीजीय व्यंजक के रूप में आठ एक्स जमा छाई जमा पांच जेड लिखा जाता है यहां एक्स गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है वाई जेली की संख्या निर्दिष्ट करता है जेड चॉकलेट की संख्या निर्दिष्ट करता है आठ एक्स जमा छह वाई जमा पांच जेड एक त्रिपदी है जिसमें तीन पद हैं बहुपद सामान्य रूप से यदि किसी व्यंजक में एक या अधिक पद हैं जिसके गुणांक शून्य नहीं हैं, तो वह बहुपद कहलाता है उदाहरण चार एक्स जमा चार एक्स वाई जमा सत्रह एक्स जेड स्क्वेर घटा दस वाई स्क्वायर जेड जमा उन्नीस द्विपदी को त्रिपदी से गुणा करना इस गुणन में हमें त्रिपदी के सभी तीनों पदों को द्विपदी के दोनों पदों से गुणा करना होगा उदाहरण सरल करें अतः सर्वसम्मिका सर्वसम्मिका क्या है इस समिका पर विचार करें हम इसके दोनों पक्षों का मूल्यांकन करेंगे ए के किसी मान के लिए समिका माना ए बराबर दस ए बराबर दस के लिए समिका के दोनों पक्षों के मान बराबर हैं आइए अब ए बराबर माइनस एक लें ए बराबर माइनस एक के लिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हमने पाया कि ए के किसी भी मान के लिए दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष ऐसी समिका जो इसके चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो सर्वसमिका कहलाती है इसलिए समीकरण कोई समीकरण अपने चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है a बराबर दस के लिए सत्य है लेकिन यह a बराबर माइनस एक या a बराबर शून्य इत्यादि के लिए सत्य नहीं है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जमा घटा एक्स और वाई से जुड़ा हुआ चरों व अचरों का संयोजन बीजीय व्यंजक के रूप में जाना जाता है स्थिर संख्यात्मक मान वाले प्रतीक अचर कहलाता है कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हों चर के रूप में जाना जाता है व्यंजक के निर्माण के लिए पदों को जोड़ा जाता है एक दो व तीन पदों वाले व्यंजक क्रमानुसार एक पदी द्विपदी व त्रिपदी कहलाते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर ऋणात्मक पूर्ण सांख्य घाते यानी पावर होती हैं बहुपद कहलाता है समान पद समान चरों से निर्मित होते हैं और इन चरों की घातें समान होती हैं समान पदों के गुणांक समान हो यह जरूरी नहीं है बहुपद को जोड़ते समय समान पदों और असमान पदों को अलग अलग व्यवस्थित करें और केवल समान पदों को जोड़ें यही नियम घटाने के लिए भी अपनाएं गुणन के लिए बहुपद के सभी पदों को दूसरे बहुपद के सभी पदों से गुणा किया जाता है